penalty penalty is not a big deal for me. तो 2 करोड़ दे दीजिए penalty. Big boss, I want to voluntarily quit. That's the final decision. 2 साल से I am मैं हूँ किसी के साथ और वो चीज़ है वहाँ पे वो चीज़. मुझे क्यों इन्वॉल्व किया? मैं बेवकूफ बैठी हुई है यार यहाँ पे. मेरे को 9 हफ्ते देखा ना मैं फेंक रही हूँ बट क्या करूँगा अगर दिल तोड़ दिया मैंने किसी का एक कभी. अब से मैं डंके की चोट पे बायस्ड हूँ. हाँ मैं खुलेआम खुदगर्ज हूँ. बहुत मेहनती कर बहुत अनदर लेवल ऑफ हार्ड वर्क करूँगा. इसके बारे में बात करना अच्छा ही लगता है. प्राउड फीलिंग आती है नथिंग एल्स. नमस्ते आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं. आपका स्वागत है पीपोए पे. मैं हूँ आकाश और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जब मैं बात करूंगा तो कई लोगों को ऑफेंड हो जाएंगे, कई लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा और कई लोग जो वो क्लब के लोग हैं वो कहेंगे अरे बिग बॉस की बात करता है तू या सोशल मुद्दों पे बात कर. अरे भाई साहब जरा लास्ट ईयर देख लीजिए कितने वीडियोस सोशल मुद्दों पे बनाए हैं और कितने वीडियोस बिग बॉस पे बनाए हैं. और जो लोग आपको बताते हैं ना बिग बॉस पे बात करता है ये करता है वो करता है उनके खुद का कंटेंट देख लो पहले सब पता चल जाएगा. तो जितने भी लोग इस वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं है तो कृपया वो पर जितने भी लोगों को इंटरेस्ट है ये जानने का कि कैसे ये शो आप लोगों को उल्लू बना रहा है और आप लोगों को नहीं करोड़ों लोगों को बिकॉज करोड़ों लोग देखते हैं शो को. फिर हमारे कमेंट के नीचे कुछ वोक लोग आ जाते हैं कहते हैं अरे देखता कौन है ये शो. हाँ देखता कौन है ये तो रियलिटी शो भाई फिर फिल्म में क्यों देखते हो. और जो फिल्मों के रिव्यू करते हैं वो क्यों करते हैं. फिर यहाँ तो तब भी लोगों के जो असली चेहरे वहाँ आते हैं बिकॉज एक सिचुएशन में आपको डाल दिया जाता है. तो प्लीज डोंट बी सो मच वोक फेस द रियलिटी एंड द रियलिटी इज दैट आई विल टॉक अबाउट दिस शो. मैं इस शो के बारे में इसलिए बात करूंगा बिकॉज शो में आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है बड़े ही अलग ढंग से बड़े ही अलग लेवल पे. और जब लोगों के असली चेहरे निकलते हैं जब वो स्पेशली सेलेब्स हों तो उसके बारे में बात करना बड़ा जरूरी है. तरह तरह की चीजें करते हैं जो उनको समाज में नहीं करनी चाहिए तो उसकी बात करता है. तो चलिए बात करते हैं. इस बार अनुराग डोभाल का इन्वेक्शन हुआ है उसके बारे में बात करना चाहूंगा. मुनव्वर फारूकी वर्सेस अनुराग डोभाल ये सीजन था. जैसे हर सीजन में 2 खिलाड़ी होते हैं. आसिम रियाज वर्सेस सिद्धार्थ शुक्ला, अभिषेक मलान वर्सेस एल्विश यादव, फलाना वर्सेस फलाना, ढमकाना वर्सेस ढमकाना और ऐसी. इस बार था मुनव्वर फारूकी वर्सेस अनुराग डोभाल. पर वो तो था जिस तरह से शो चल रहा था जिस तरह पब्लिक चाह रही थी पर बिग बॉस क्या चाहता है. बिग बॉस चाहता है कोई और जीते. कौन जीते और क्या चाहता है बिग बॉस और बिग बॉस का जो क्रिएटिव है या बिग बॉस की जो माँ की आग है वो क्या चाहती है. चलिए बात करते हैं और क्यों ऐसा सब कुछ हो. अनुराग को इवेक्ट करना सही था या गलत था चलिए उसके बारे में बात करते हैं. मैं अपनी ओपिनियन दे देता हूँ बिकॉज कई लोगों को चाहिए, कई लोग डीएम्स में बोल रहे हैं, कई लोग ईमेल्स कर रहे हैं भाई आप अपनी ओपिनियन दीजिए बिकॉज आपका जो रिव्यू होता है वो हमेशा से देखते थे हम. पर आपने बिग बॉस पे कंटेंट बनाना बंद कर दिया पर आपकी ओपिनियन हमें चाहिए. चलिए ले लीजिए फिर हमारी ओपिनियन कोई बड़ी महंगी थोड़ी है, सस्ती सी है, यूट्यूब पे फ्री में मिल जाती है भाई साहब. पर इससे पहले मैं अपनी ओपिनियन दूं अनुराग के बारे में एक और चीज़ मैं फ्री में दे रहा हूँ. बहुत सारे लोगों ने मेरे को रीच आउट किया कि भैया आपसे सीखना है, कॉन्फिडेंस सीखना, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने, सक्सेस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सीखने हैं. तो ठीक है इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी आई हैव सक्सेस मेंटरशिप प्रोग्राम SMP 2024 व्हिच आई हैव लॉन्च्ड. फ्री प्रोग्राम है और आप पेड वाला वर्जन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें वर्कशॉप्स 12 वर्कशॉप्स साल में फ्री हैं पर वो आपको जरूरत नहीं है करने की. आप फ्री ज्वाइन करिए, फ्री में देखिए कितनी सुपर वैल्यू मिलेगी. और आपको एक बात मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ हर दिन ऐसा कुछ मिलेगा जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि अरे ऐसा तो सोचा नहीं था. ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड गेटिंग अमेजिंग फीडबैक अबाउट दिस कोर्स, अबाउट दिस मेंटरशिप प्रोग्राम. लास्ट ईयर भी बहुत सारा अमेजिंग फीडबैक आया, इस साल भी टेंस ऑफ बैचेस बन रहे हैं एंड पीपल आर एंजॉयिंग दिस ऑलरेडी, दे आर एक्साइटेड अबाउट इट. तो अगर ज्वाइन करना है तो लिंक नीचे अप्लाई करना पड़ेगा. आफ्टर यू फुलफिल आवर सिंपल क्राइटेरिया ओनली देन यू विल बी ऑन बोर्डेड इनटू आवर फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम. तो देर मत करना. और आप चाहते हैं अपना 2024 एक सक्सेसफुल ईयर बनाना और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, टूल्स और मेथड सीखना जो सारे सक्सेसफुल लीडर्स डिप्लॉय करते हैं अपनी लाइफ में, तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं आज ही और अभी बिल्कुल फ्री. अब चलते हैं मेरी ओपिनियन पे जो अनुराग डोभाल के एविक्शन पे है इस शो में. तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये बिग बॉस जो है इस बार तो भाई साहब ने खुद ही बोल दिया कि मैं बायस हूँ, है ना, मैं बायस रहूँगा. वो कहते हैं ना कि भैया इससे पहले कोई और बोले अब मैं अपनी चोरी खुद ही कबूल कर लेता हूँ. इससे पहले मुझे कोई कटघरे में डालेगा भाई तू चोर है, मैं ही चोर हूँ. तो जब मैंने ही चोर बोल दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ही शुरुआत में बोल दिया भाई मैं तो बिग बॉस पर वीडियो बनाऊँगा और मैं इतना वोक नहीं हूँ तुम्हारे जैसे, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई साहब, सॉरी. मैं तो गंदे गंदे रियलिटी शोज पे बात करता हूँ ये सही वही सारे लोग हैं यू नो, ऐसी बातें करते हैं जो गेम्स ऑफ थ्रोन्स देखते हैं, वायलेंट रोक कंटेंट देखते हैं, एक्शन मूवीज देखते हैं, उन सबको सब कुछ पसंद है, बिग बॉस ना पसंद है बिकॉज वो होते हैं ना कुछ लोग. एनीवेज विल कम टू द हिपोक्रेसी ऑफ दिस काइंड लेटर एंड इफ समबडी वांट्स टू रियली हैव अ डिबेट अबाउट इट लेट्स हैव अ मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन रादर देन यू नो हैविंग सम काइंड ऑफ अ इरैशनल अनवर्दी कॉमेंट. उसके बाद क्या होता है, आप बैन ही हो जाते हो, ब्लॉक ही हो जाते हो. तो ऐसे गंदे कमेंट्स करने की ज़रूरत क्या है? अगर अपनी प्रतिक्रिया देनी है और कुछ ऐड करना है हमारी कम्युनिटी पेज पे तो कुछ दिमाग से सोच के तो लिखो बिकॉज उसकी बहुत ज़रूरत है यू नो वोक लोगों को जो अपने आप को वोक समझते हैं. नहीं वोक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप वोक हो या बनने की कोशिश करो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना. एनीवेज वापस आते हैं अपने कॉन्टेंट पर, अपने टॉपिक पे. बिग बॉस है, मैनिपुलेट करता है, तो इस बार तो भैया ऐसे मैनिपुलेट करेगा मैं बायस हूँ. इससे पहले कोई बोले कि तू बायस है, मैं बायस हूँ ये बोल दिया तो बात ही खत्म हो गई. नहीं, पर बात खत्म नहीं हुई. वो दिखा रहा है कि ये लोग मुनावर को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा है नहीं. बहुत सारे लोग हैं जो मुनावर वर्सेस अनुराग सोच रहे हैं इस सीजन को, जैसे मैंने बोला हमेशा होता है. नहीं, ऐसा है नहीं. दिस इज मुनावर एंड अनुराग वर्सेस समबडी. मैं उसका नाम लूंगा, कुछ लोग समझ गए होंगे जो लोग शो देखते हैं या जिनको पता है कि आकाश भाई जब डिकोड करते हैं ना तो हमें समझ में आ जाता है बिकॉज हम उनका कंटेंट देखते आ रहे हैं. एनीवेज मैं बात करता हूँ, मुनावर ने बड़ी गलती करी. क्या गलती करी मैं बता देता हूँ. मुनावर ने शो में आने से पहले बाहर बड़ी गलती करी. बाहर उन्होंने हिंदू भगवानों को मजाक उड़ाया, जिसको मैंने कंडेम किया है बार बार, ऐसी चीज़ों को, ऐसे कॉमेडी स्टैंडअप्स को, कॉमेडियंस को. पर ठीक है, लोगों ने उसको सेकंड चांस दिया, वो आए शो में. पर उस शो में आकर सेकंड चांस जब उसको दिया तो उसने क्या दिखाया? गेम तो अच्छा खेला उसने, गेम अच्छा खेल रहा है वो बनता, हाँ गेम प्लेयर तो है, तभी लॉकअप सीजन भी जीता. हाँ पर अब गेम अच्छा की तरफ सबके साथ बना कर रख रहा है, ये उसकी गलती है ऐसा सलमान खान ने बोला. क्यों मैं बताऊंगा उस बात को. दूसरी उसकी गलती है कि भाई प्यार करता है वो कई लड़कियों से एक बार में, साल से आई एम मैं हूँ किसी के साथ, और वो चीज़ है वहाँ पे. वो चीज़ मुझे क्यों इन्वॉल्व किया, मैं बेवकूफ़ बैठी हो गया यार यहाँ पे. देखा ना मैं फेंक रही हूँ, बस क्या करूँगा जब दिल तोड़ दिया मैंने किसी का एक कर. कई लड़के करते हैं. अब देखो अब लड़कियों के जैसा तो है नहीं ना हमारे देश में, एक लड़की 10 लड़के. तो जो एक लड़का होता है उसको यहाँ और दो तीन जब मिल जाती है लड़कियों तो उसको लगता है कि भैया किसी को कोई मेरे से पहले छोड़ के जाए, मुझे मैं अपना इंतजाम कर लूँ. बट हैविंग सेड दैट एथिकली एंड मॉरली आई डोंट सपोर्ट दिस, आई डोंट एंडोर्स दिस. एक बंदी के साथ हो तो एक बंदी के साथ रहो ना, 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग क्यों कर रहे हो? वो और बात है कि कई लोग कमेंट्स में बताना मुझे कि आपके साथ ऐसा होता है क्या कि आपको डर लगता है कि भाई आपकी बंदी छोड़ जाएगी तो आपको लगता नहीं मेरे पास भी स्टॉक में हो 2-3. आई थिंक अगर आप कमिटेड हैं तो किसी और को बहकावे में, किसी को इमोशनल मत करो, किसी को सेंटी मत करो, आप कमिट मत करो अगर आप कंफ्यूज हैं तो. बस मैं इतना बोलूँगा. और अगर कमिटमेंट नहीं है तो अ पर्सन कैन हैव 1, 2, 3 पीपल. जैसे नेहा धूपिया कहती हैं इट्स हर चॉइस, तो मैन ऑल्सो हैव द चॉइस राइट, अनलेस एंड अनटिल यू कमिटेड. और आप कमिटमेंट कर रहे हो तो फिर गलत है यार, 2 टाइम ही करना, 3 टाइम ही करना. दैट इज व्हाट आई वुड से अबाउट मुनावर. उसका कोई लेना देना नहीं है गेम से. और आप देखो तो मुनावर का ये जो पूरा पर्सनल रिश्ता है, आयशा को भी जो लेकर आया है, जो आयशा आई मैडम, अरे आई विल गेट सम पब्लिसिटी, आई विल बिकम अ सुपरस्टार बाय ब्रिंगिंग माय कंप्लेंट टू बिग बॉस हाउस. देखो दोस्तों, वायरल हो रही इस लड़की का नाम है आयशा खान और इन्होंने कुछ ऐसे ही चुनेरी चुनेरी डांस करके करीब 2 मिलियन तक फॉलोअर्स बना लिया है और इनकी इंस्टाग्राम आईडी है आयशा खान ऑफिशियल. बड़ी ही रबिश चीज़ है वैसे, पर कौन लेकर आया? सलमान खान ने तो आयशा की गलती निकाल दी इसमें, बट आयशा खुद आई है. कौन लेकर आया? बिग बॉस लेकर आया. तो बिग बॉस तो खुद लेकर आया है मुनावर को नीचे गिराने के लिए, तो भाई तू आयशा को डांट रहा है, अपने को डांटना. सलमान खान को क्यों नहीं डांटा बिग बॉस की माँ की आग को? अब से मैं डंके की चोट पे बाइस्ड हूँ, हाँ मैं खुलेआम खुद गर्ज हूँ. तो सबसे पहले तो यहाँ तुम्हारी हिपोक्रेसी और मैनिपुलेशन का पता चलता है. दूसरा, और मैं बताऊंगा कि मुनावर के साथ ऐसा क्यों हुआ. अब दूसरा अनुराग की बात करें तो भाई उसके फैन है, उसलिए उसको लेकर आए हो आप शो में. अब ठीक है, वो इतना अच्छा माना मंझा हुआ गेम प्लेयर नहीं है, उसमें विक्की जैसा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है, नहीं तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता. वो क्रिएटर है, वो कनेक्ट करता है लोगों को अपने साथ अपने व्लॉग्स के जरिए. वो उसने बहुत हार्डवर्क किया लाइफ में और वो नीचे से उठाया, जैसे MC स्टैन उठाता है ऐसे ही अनुराग भी उठाया. और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो एक रूम से शुरू करके आज पता नहीं कहाँ पहुँच गया, बिकॉज वो लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं. तो ये कमाया है, एंड इफ यू हैव एरोगेंस अबाउट इट व्हाई नॉट. जब भाई इतने ये सेलेब्स होते हैं, जब इनकी एरोगेंस देखनी हो ना, ये शो में जो चिंटू पिंटू को उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा जब साले तुम बाहर होगे ना, जब तुम किसी के साथ तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने आएगा कभी, और जब तुम उसको ट्रीट करोगे, जब कैमरा होगा तो तुम प्यारे बन जाओगे, जब तुम कैमरा नहीं होगा तो तुम उसको एक भाव नहीं दोगे. तो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस. आप कैमरे के सामने नहीं दिखा रहे जो सेलेब्स हैं, पर बाहर दिखाते हैं जब कैमरेज नहीं होते. एनीवेज मुझे अनुराग की कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगी एज अ प्लेयर, because I have watched the show. मैं देखना चाह रहा था कि अनुराग how he would come out in terms of his strategies etc, his relationships. बहुत real और raw act किया. और पता है इस शो में ना ये चीज़ चलती नहीं, जो real और raw होता है वो चीज़ चलेगी नहीं कभी भी शो में, because आपको cunning होना पड़ेगा, आपको manipulative होना पड़ेगा. इतना है नहीं, अनुराग जो अंदर होता है ना वो निकाल देता है बाहर. That's the problem. तो ऐसा नहीं है, पर उसने मुद्दे नहीं उठाए. उसने आई थिंक बहुत मुद्दे उठाए, उसने बहुत स्टैंड लिया, अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लिया. जहाँ उसको गलत दिखा उसने बोल दिया. उसमें ये कॉन्फिडेंस था कि वो गलत को गलत बोल सके. इनफैक्ट वो एकमात्र ऐसा कंटेस्टेंट बन गया जिसने बिग बॉस को भी चैलेंज कर दिया, निकालना तो निकाल दो. फिर बिग बॉस आ गया, वहाँ बाहर बाइक वाइक लगा दी. पेनल्टी इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी. तो 2 करोड़ दे दीजिए पेनल्टी. बिग बॉस आई वांट टू वॉलंटरी क्विट. दैट्स द फाइनल डिसीजन. पैरों पे गिर गया बिग बॉस. हैरो पे गिर गया बिग बॉस. नहीं तो आज तक इसकी हिम्मत नहीं थी यार. बिग बॉस को बोलेंगे भाई मैं जा रहा हूँ बाहर, और जब बिग बॉस को 2 करोड़ देने पड़ेंगे यार, मैं दे दूंगा भाई 2 करोड़. नहीं तो कई लोगों की, कई बड़े बड़े सेलेब्स की ना हवा निकल जाती है, टाइट हो जाती है हवा, पर अनुराग की नहीं हुई. तो ये बहुत बड़ी बात. तभी जब बिग बॉस को पट से हेडशॉट दिया था, तभी से आई थिंक अनुराग वहाँ जीत गया था मेरे नजरों में. बिकॉज अगर कोई बंदा इतना मादा दिखा रहा है, ही वॉज द रियल मैन इन द हाउस. ब्रस्ट एवरीबडी इज अ चापलूस, चमचागिरी कर रहे हैं और सब चमचे बन जाते हैं अंदर जाके. बिग बॉस के हिसाब से खेलना शुरू कर देना. आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो अनुराग ने किया, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया. हाँ, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि प्रॉब्ली ही हैज़ डन अ बिट ऑफ बॉडी शेमिंग विच आई डोंट लाइक. जैसे मुनावरा के गंजे पने पे बोल देना, या ये बोलना कि मैं मेरे हेलमेट में तू चले जाएगा. बट वो एमसी स्टैन वाला थोड़ा स्लैंगिश लैंग्वेज था. आई थिंक कई लोगों को उनकी औकात बतानी भी चाहिए. अनुराग ने जो हासिल किया है उसने अपने दम पे किया है. एंड द प्रॉब्लम इज़ ही कैन नॉट बी मैनिपुलेटिव. द प्रॉब्लम इज़ ही इज़ नॉट कनिंग. द प्रॉब्लम इज़ वो ज़्यादा वो नहीं है, उसको ये नहीं पता कि कितना बैलेंस करके बोलना है. वो जैसा है अंदर बोल देता है. और ऐसे ऐसे एट्रीब्यूट्स मुझे तो बड़े सही लगते हैं यार. सो एनीवेज, अब मैं आता हूँ कि ये बिग बॉस ने अनुराग को इन्वेक्ट क्यों किया. बिकॉज बिग बॉस की सुलग पड़ी. अब जब बिग बॉस को पट से हेडशॉट मिलेगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा. तो उसने कुछ ना कुछ करके अनुराग को निकाला था, बिकॉज अनुराग उनका गेम खराब कर रहा था. अनुराग गेम ऐसे खराब कर रहा था कि वो भाई मनारा और चाह रहे हैं मनारा मुनावर और आयशा में तिगड़ी बिठाना, या मुनावर और मनारा का हैशटैग चलवाना. अनुराग चलने नहीं रहा. जो मुनावर की आती है बंदी वो अनुराग की दोस्त बन जाती है. और सबको पता है अनुराग का बाहर फैन बेस है, तो दोस्त क्यों नहीं बनेंगे यहाँ. तो ये बिग बॉस को बात बर्दाश्त नहीं है. तो अब मैं आता हूँ उस चीज़ में कि क्या मुनावर को जिताने के लिए करा है. बिकॉज अनुराग वर्सेज मुनावर है नहीं यार, ये अनुराग एंड मुनावर वर्सेज एक और कंटेस्टेंट. बात है उस कंटेस्टेंट पे, वो कंटेस्टेंट है अंकिता लोखंडे. और आप देखेंगे तो अंकिता बार बार सुशांत की बातें कर रही है. बहुत मेहनती कर, बहुत अनदर लेवल ऑफ हार्ड वर्क करूंगा. इसके बारे में बात करना अच्छा ही लगता है. प्राउड फीलिंग आती है, नथिंग एल्स. इससे ज्यादा निचली चीज कोई हो नहीं सकती. एक रियलिटी शो में आके बार बार सुशांत की बात करते हो आप. हर किसी को आप ये बोलते हो कि बाहर की बात नहीं करनी, बाहर की बात नहीं करनी, बाहर की बात नहीं करनी. और जब भी अंकिता सुशांत के बारे में बोलती है आप बढ़ चढ़ के उसको दिखाते हो. हाँ, बिकॉज बिग बॉस चाहता है कि सुशांत को यूज करके वो इस सीजन में टीआरपी बटोरते हैं, पर उनको वो टीआरपी मिल नहीं रही. और आप देखोगे तो अंकिता दहेज में लेकर आई विक्की को, पर विक्की भाई उनका ही गेम नहीं चलने दे रहे, तो विक्की को भी चुप करवा दिया. इतना अंकिता लोखंडे को उठाना है बिग बॉस को, सुशांत को यूज करना है, इतना यूज करना है कि उनको से वो भी बर्दाश्त नहीं होता. विक्की को डाउन कर दिया. और अब ये चाहते हैं मुनावर वर्सेज अंकिता हो. इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर आप देखेंगे विक्की का ग्राफ नीचे है, जब भी वो ऊपर उठता है उसको बोलते हैं विक्की भैया करके नीचे बिठा देते हैं उसको. तो अब क्या हो रहा है, मुनावर का गेम खराब किया बिकॉज अंकिता को हाईलाइट करना है. अनुराग को बाहर भेज दिया बिकॉज अनुराग चलने नहीं दे रहा. मुनावर का रोमांटिक गेम प्लान. तो अब हो क्या रहा है, जो मेरे हिसाब से जो 5 बचेंगे वो ये हैं. मैं बता देता हूँ आपको. होगा मुनावर और अंकिता का शो ऑफ फिनाले में, जिसमें अंकिता को जिता दिया जाएगा जो चाहते हैं. और एंड में वो सारा सुशांत भी जाएगा लास्ट हफ्ता. दैट इज़ हाउ दे आर प्लानिंग. दे वॉन्ट टू कैपिटलाइज पीपल्स इमोशंस अबाउट सुशांत. लोगों का जो प्यार है सुशांत के लिए उसको यूज़ करना चाहता है बिग बॉस की क्रिएटिव टीम. इट्स एज सिंपल एज दैट. यही मेरी बेक ऑफ ओपिनियन है. और मेरी बेक ऑफ ओपिनियन है, किसी को बाप में दम नहीं है कि मेरी बेक ऑफ ओपिनियन को गलत साबित कर दे या मुझे बोले कि ऐसा क्यों बोल रहे भाई. बिकॉज मेरा काम है बेक ऑफ रहना और बेक ऑफ ओपिनियन देना. अब इस वीडियो को, इस बाइट को लेकर जाके फैला दो. बिकॉज ये लोग जो है ना, ये समझते हैं कि लोगों के भावनाओं को आप यूज़ करके आप उसको पैसे में तब्दील करोगे. बट आपकी भावना इतनी सस्ती नहीं है, बता दो उनको. आई इज़ वेरी चीप ऑफ यूजिंग अ सोल हु हैज़ लेफ्ट अस and using his name to get TRPs for your channel और योर शो. तो बहुत ही ख़राब है. इसलिए मुझे लगा कि ये इस बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है. और मैं बात कर रहा हूँ भाई. रोकना है तो रोक लो, रोक तो पाओगे नहीं वैसे तो. एनीवेज, तो कमिंग बैक टू लास्ट फ्यू रैंकिंग्स, ऐसा कुछ होगा कि मुनावर और अंकिता का शो ऑफ होगा. मनारा तीसरे नंबर पे होगी. चौथे नंबर पे विक्की, ईशा और अभिषेक. ये 6 लोग एंड में रह जाएंगे. इन्हीं में चलेगी गेम. दैट्स व्हाट माय प्रेडिक्शन इज़. मेरी प्रेडिक्शंस नॉर्मली सही साबित होती हैं अगर आपने पुराने सीजन देखे हो। बाय द वे दिस वाज माय बिग बॉस ओपिनियन, और यहाँ तो आपको बिग बॉस ओपिनियन मिलती है बट हर बार बिग बॉस की बात नहीं होती। जितने भी लोग हैं ना बिग बॉस पे कंटेंट ये कुछ चीज़ें बतानी जरूरी हो जाती है, बिकॉज यहाँ सुशांत राजपूत की बात है, यहाँ लोगों की भावनाओं की बात है, लोगों की भावनाओं को पैसे में कन्वर्ट करने की बात है, इसलिए इस तरह की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे दोस्त। तो समझिए sometimes you know even the reality shows, even the movies have to be talked about। जैसे हमने आदि पुरुष की बात करी या कोई और मूवी केरला स्टोरी की बात करी, हमने एनिमल की बात करी। बात करना जरूरी होता है कई बार मूवीज़ का, कई बार रियलिटी शोज़ का। वो हमारा नेचर है सोशल अवेयरनेस। तो जितने लोग यहाँ कमेंट्स में आ जाते हैं ना किसी और के बहकावे पर, सोचते हैं कि वो वोक है और बिग बॉस देखता है तो बिग बॉस। अरे यार पहले तुम देखो तुम क्या देखते हो रात को बैठ के, हाँ बंद कमरों में, फिर बात करना। और मेरा काम है, मुझे पता मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरा विजन है सोशल सेंसिटिविटी फैलाना और मुझे पता मुझे किस तरह से फैलानी है। तो अगर तुम मेरे जैसे बनना चाहते हो तो अपना चैनल खोलो, और चैनल खोलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उससे पहले अगर सक्सेस चाहते हो और चाहते हो सही गाइडेंस मिले, सही मेंटरिंग मिले, बिकॉज मेरे साथ भी बहुत सारे मेंटर्स रहे हैं। अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है देन यू डूइंग समथिंग रॉन्ग ब्रदर। और अगर अपने मेंटर किसी डफर क्रिएटर को बना लिया या किसी डफर इन्फ्लुएंसर को बना लिया तो भाई आपका भगवान ही मालिक है। तो इसलिए आज ही सक्सेस मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, सीखने को कुछ मिल जाएगा। एंड दैट आई कैन प्रॉमिस यू एंड वाउच यू ऑन, बिकॉज आई हैव ट्रेन थाउजेंड ऑफ पीपल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई हैव हेल्प्ड थाउजेंड ऑफ लीडर्स, हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर मैं नहीं सीखा पाऊंगा तो और कौन सिखाएगा। आज ही ज्वाइन करिए, लिंक नीचे, अप्लाई कर लीजिए, आज ही फ्री है। विद दैट आई एंड दिस वीडियो, आई विल मीट इन अनदर वीडियो लाइक दिस अगेन only for my Bigg Boss community, my Bigg Boss Indian community, my Peepoye family, Peep family। मैं उगाश, आप देख रहे हैं Peepoye, और अब कुछ नहीं छुपेगा।